हाय एवरीवन, मैं सुनीता खन्ना आज आपको पापलेट फिश फ्राई की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पापलेट फिश ली है और थोड़े से पाउडर मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर और एक कांदा लहसुन मसाला, और ये मैंने मालवनी मसाला लिया है। थोड़ा सा लहसुन को मैंने क्रश किया है और आधे नींबू का जूस मैंने लिया है। और एक प्लेट में मैंने रवा और चावल का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और इन मसालों को मैं सब अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसमें नींबू जूस भी डालूंगी, मालवानी मसाला भी डालूंगी, लहसुन भी डालूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके मैं पापलेट के ऊपर लगाऊंगी। मैंने पूरे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे पापलेट के ऊपर लगाऊंगी। और इसके गैप में भी जहाँ पे कट मारा है उसके अंदर भी थोड़ा सा मसाला डालूंगी। मैंने पापलेट के दोनों तरफ अच्छी तरह मसाला लगा दिया है, अब मैं इसको रवा और चावल के आटे में कोट करूंगी। इसे दोनों तरफ अच्छी तरह लगा दूंगी। मैंने इसको रवा और चावल के आटे के ऊपर से कोट कर दिया है, अब मैं इसे तवे के ऊपर डालूंगी जिसे मैंने गर्म होने रख दिया था और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया था। अब मैं इसे एक तरफ अच्छी तरह फ्राई होने दूंगी। गैस को मैंने मीडियम रखा है। एक तरफ फ्राई होने के बाद अब मैं इसे पलट दूंगी। अब मैं पापलेट को दूसरी तरफ पलट रही हूँ और दूसरी तरफ भी इसे पकने दूंगी। पापलेट हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और पापलेट को सर्व कर रही हूँ। पापलेट हमारी खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।